सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम नए वीडियोस का बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि लिन वांग से कह रहा होता है कि उसके सीक्रेट किसी को भी ना बताए, नहीं तो वो प्रीस्ट यूनजिन को सब कुछ बता देगा कि वांग ने क्या क्या सुना है। तो ये सुनते हुए वांग का ऑफिस से घबरा जाता है और उसे कह रहा होता है ठीक है, मैं ये बात किसी से भी नहीं कहूंगा और इसे राज रखूंगा। और हम देखते हैं कि बाहर बारिश हो रही होती है, जहाँ पे गली में वांग और जी लियो दोनों ही खड़े होते हैं, जहाँ पे वांग उसे कह रहा होता है क्या तुम सच में उसकी बॉडी और उसके स्पिरिचुअल विंस की जांच कर सकते हो। तो ये सुनते हुए जी लियो से कह रहा होता है नहीं, मैंने ये नहीं किया, मुझे बस लगा था कि कुछ गड़बड़ है तो इसलिए मैंने उससे ये सब पूछा था, लेकिन मुझे ऐसा होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो वांग कह रहा होता है मैंने हमेशा से सोचा था कि लिन शौकी वो एक अच्छा इंसान है जो कि हमारी देखभाल करेगा और हमारे साथ रहेगा, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वो इस तरह निकलेगा, वो तो बहुत ही बेकार इंसान है। तभी वहाँ पे जिया भी आ जाती है और उन लोगों से कह रही होती है तुम दोनों यहाँ पे बाहर क्यों आए हो और लिन शौकी वो कैसा है। तो जी लियो जिया से कह रहा होता है वो भी पहले से बेहतर है, तुम जा सकते हो और उसे देख सकते हो। तभी जिया उन लोगों से कह रही होती है बाय द वे तुम लोग पहले एक साथ थे लेकिन अब तुम किस तरह की बातें कर रहे थे। तो जी लियो कह रहा होता है ज्यादा कुछ नहीं, बस वांग हुआ ने कहानी सुना रहा था। तो जिया कह रही होती है अच्छा एक कहानी, और ये कहते वो काफी ज्यादा शांत हो जाती है और लिन से मिलने के लिए आगे बढ़ रही होती है। और इसका पता लिन को भी चल जाता है, वो जल्दी जल्दी उठा है और अपने मन में कह रहा होता है अच्छा वो आ रही है, मुझे सेफ रहने के लिए उसके सस्पिशियंस को जल्दी से जल्द दूर करना होगा। तभी जिया भी आ जाती है और कह रही होती है मैं गर्म पानी ले आई हूँ। तभी अचानक से लिन उसके पास आ जाता है जो की देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उससे कह रही होती है ये तुम क्या कर रहे हो। तो लिन उससे कह रहा होता है मैं बस ये सोच रहा था कि मैं मरने जा रहा हूँ, इसलिए मेरे दिमाग में सिर्फ तुम्हारी तस्वीरें भरी हुई थी और मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। तो जिया उससे कह रही होती है मैं तुम पर यकीन बिल्कुल भी नहीं करती, मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ और मैं खराब कपड़े पहनती हूँ और मैं बाकी लोगों जैसे सुंदर नहीं हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो लिन उससे कह रहा होता है नहीं नहीं तुम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। जिया उससे कहती है क्या क्या मैं सच में सुंदर हूँ। तो लिन उससे कहता है हाँ तुम सच में मेरे दिल में काफी ज्यादा खूबसूरत हो। ये सुनते हुए जिया उससे कह रही होती है अच्छा तो मैं तुम्हारी नजर में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हूँ है ना। तो लिन कह रहा होता है नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, बेशक तुम हो। तो जिया उससे कह रही होती है ठीक है अब ज्यादा बातें मत करो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी अपना ख्याल रखो। और ये कहते हैं गुस्से से वो बाहर चले जाती है। तभी पीछे से लिन उसे पुकारते हुए कह रहा होता है जिया प्लीज मेरी बातें तो सुनो, लेकिन जिया उसकी बातें नहीं सुनती है और बाहर खड़ी रहती है। तभी हम देखते हैं कि जिया वो मुस्कुरा रही होती है। उसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जिया लिन पर अटैक कर रही होती है, लेकिन लिन उसका अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है और उससे कह रहा होता है ओ तुम तो काफी ज्यादा तेज हो। जिया वापस घूम के उससे फाइट बैक करती है, लेकिन लिन उसे फिर से डॉच कर लेता है और वो बड़े आसानी से उसे डॉच कर रहा होता है। और तभी लिन उसे पेड़ की टहनी से नीचे गिरा देता है, जो कि देखते हुए जिया काफी ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है क्या है पेड़ की टहनी। लिन उसे कह रहा होता है सिस्टर क्या प्रैक्टिस करना इतना ज्यादा हार्ड है, वैसे तुम एक ब्रेक भी नहीं ले लेते। तो जिया कह रही होती है ब्रदर लिन तुम बाकी में काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं इस बार सीरियस हो जाऊंगी और तुम पर अटैक करूंगी। और ये कहते हैं वो बहुत ही तेजी से लिन पर अटैक करता है, लेकिन लिन बड़ी इजीली उसे डॉच कर लेता है। तो जिया घूमते हुए उसे कह रही होती है बहुत खूब तुम तो डॉच करने में माहिर हो। तो लिन उससे कह रहा होता है चलो आओ और मुझे दिखाओ कि तुम क्या क्या कर सकी हो। जिया इस बार बहुत ही तेजी के साथ हमला करती है, लेकिन लिन उसे उसी पेड़ के टहने से रोक लेता है, जो कि देखते हुए लिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो अपने मन में कह रही होती है इसने तो मेरे सारे के सारे अटैक को काउंटर कर लिया है, ये तो काफी अच्छा स्वॉर्ड्समैन है। ये सब देखते हुए लिन कह रहा होता है अचानक मुझे नींद आ गई है, ये तो काफी ज्यादा वाव है। ये सुनते हुए जिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कह रही होती है ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकती, मैं तुम्हें हरा दूंगी। और वो बहुत ही तेजी के साथ साथ लिन पर अटैक करती है, जो कि देखते हुए लिन अपने मन में कह रहा होता है अच्छा तो इस बार ये गुस्सा हो गई है, शायद अगर मैं इसे एक सबक सिखाऊं तो। और ये कहते हैं लिन बड़ी तेजी के साथ साथ पीछे जाते हुए उसे स्टिक से जिया के पीछे हमला करता है, जिसकी वजह से जिया वो नीचे गिर जाती है और वो बहुत ही एम्बेरस फील कर रही होती है। लिन उससे कह रहा होता है जिया है तुम्हें अपनी फाइटिंग स्किल में ध्यान देने की जरूरत है, जब तुम किसी एनिमी से लड़ोगे तो इतनी ज्यादा लापरवाह मत करना नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगा। ये सब देखते हुए जिया उसे गले लगा लेती है और जोरों से रोने लगती है, जो कि देखते हुए लिन उससे कह रहा होता है तुम्हें रोने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सब मेरी गलती है। जिया उससे कह रही होती है क्या तुम्हें चोट लगी है। तो लिन उससे कह रहा होता है क्यों आखिर ऐसा क्यों होगा। तो जिया उससे कह रही होती है जब मैंने तुम्हें अभी भी बहुत मारा तो तुम मुझे भी मार सके थे। लिन उससे कहता है ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो जिया कह रही है क्यों। तो लिन उससे कह रहा होता है मैं सुंदर औरतों पर हाथ नहीं उठाता हूँ। जिया उससे कह रही होती है हाँ ये अभी मेरी हार थी। तो लिन उससे कह रहा होता है अभी मैंने जिन भी टेक्निकों को यूज किया है वे सारे के सारे टेक्निक्स वो स्वॉर्ड सूत्रा से थी, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से इससे तुम्हारा कोई भी मुकाबला नहीं है, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकी। तो ये सुनते हुए जिया उससे कह रही होती है अगर मैं भी स्वॉर्ड सूत्रा का प्रैक्टिस करने लगूँ तो क्या मैं भी आपकी तरह मजबूत हो पाऊंगी। तो लिन उससे कह रहा होता है हाँ बेशक क्यों नहीं, तुम मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो सकी हो। ये सब सुनते हुए जिया अपने मन में कह रही होती है वो मुझे अपने कबीले का रहस्य सिखाने के लिए तैयार है, जिसका मतलब यह है कि वो मुझ पर यकीन करता है, इसलिए अब मुझे इस पर कोई भी शक करने की जरूरत नहीं है, ये वाकई में काफी अच्छा है। और जिया उसे कह रही होती है थैंक यू ब्रदर लिन, हम लोग कड़ी मेहनत करेंगे। और वो काफी ज्यादा खुश होती है और वो कहती है बाय द वे ब्रदर मैं ये जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि आपका क्लैन वो
कहाँ पे है। तो ये सुनते हुए लिन उसे कह रहा होता है वो ठीक यहाँ पर ही है। ये सुनते हुए जियाओ काफी सधारण होती है और उससे कह रही होती है क्या यहाँ पे कहाँ पे। लिन उसे कह रहा होता है इससे पहले कि मैं यहाँ पे आल्टर के द्वारा शेखी भगड़ता उससे पहले ही मेरे क्लैन के सारे लोग वो हमारे दुश्मन के जरिए मिटा दिए गए थे। यानी कि वो सभी के सभी मारे गए थे, सिर्फ मैं ही अकेला जो जिंदा बचवाया हूँ। तो इसलिए जहाँ मैं हूँ वही मेरा क्लैन है। ये सुनते हुए जियाओ से कह रही होती है अच्छा ऐसा है, लेकिन ब्रदर आप अकेले नहीं है, मैं आपके क्लैन को आगे बढ़ाने के लिए आपकी मदद कर सकती हूँ। तो लिन उसे कह रहा होता है क्या केवल दो लोग ही पूरे कबीले को बना सकते हैं। जियाओ से कह रही होती है आगे क्यों नहीं, वैसे आपके क्लैन का नाम क्या है। तो ये सुनते हुए लिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उसे कह रहा होता है ये गुड क्वेश्चन है। और ये कहते ही वो अपने पास के बारे में याद करता है जहाँ पे उसके मास्टर से कह रहे होते हैं लिन शॉक्सी हम इसे आर्कन सेक्ट कहते हैं जो कि डेमन क्लैन के नाम से जाना जाता है। और लिन भी उसे आर्कन सेक्ट के बारे में ही बताता है। और फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जियाओ लिन के पास उस स्वॉर्ड सूत्र का प्रैक्टिस करने के लिए आई हुई होती है जहाँ पे लिन उसे प्रैक्टिस करवा रहा होता है और उसके साथ स्वॉर्ड से फाइट कर रहा होता है। और प्रैक्टिस करने के बाद वो जियाओ से कह रहा होता है जियाओ हम एक ग्रे क्यों नहीं ले लेते। ये सब देखते हुए जियाओ काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और वो अपने मन में कह रही होती है मुझे इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं इस आदमी को जल्द से जल्द हरा दूंगी और इसको इसके घुटनों पर ला दूंगी और ये दया की भीख मांगेगा। और जियाओ कह रही होती है नहीं अभी हमें और भी प्रैक्टिस करनी है। और ये सब बाहर से वांग सुन रहा होता है और खाना खाते समय वो उन दोनों से कह रहा होता है वैसे तुम दोनों दिन भर अपने कमरे में क्या कर रहे थे, दिन के समय बहुत ही ज्यादा शोर हो रहा था। तो ये सुनते हुए लिन उसे कह रहा होता है अरे हम लोग तो प्रैक्टिस कर रहे थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे थे। तो ये सुनते हुए वांग उसे कह रहा होता है हाँ मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। और ये कहते ही वो देखता है कि जियाओ के कंधे पे चोट लगी है जो कि देखते हुए वो अपने मन में कुछ सोचने लगा है और काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तभी जियाओ कह रही होती है चलो मेरा खाना हो गया, चलो लिन फिर से जाके प्रैक्टिस करते हैं, जो कि सुनते हुए वांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कह रहा होता है ये बकवास की छोटी सी जियाओ आखिर ये ऐसा कैसे कर सकती है, क्या इसे ये सब अच्छा लग रहा है, इसे तो अपना काम करना चाहिए लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाओ और लिन दोनों ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और लिन जियाओ की कैपेबिलिटी देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है उसके टैलेंट वो बहुत ही ज्यादा है, इससे पहले कि मैं उसे पूरी तरीके से तलवारबाजी सिखा दूं शायद उससे पहले मुझे मार नहीं पाएगी, बट इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं डीमन क्लैन के माइंड कंट्रोल टेक्निक को कई टुकड़ों में बांट दूंगा और उसको स्वॉर्ड सूत्र के टेक्निक के साथ साथ मिक्स कर दूंगा, इसलिए अगर उसने सच में मुझे मारने की कोशिश की तो मैं इससे बच सकता हूँ। हाँ यही समय है। और ये कहते ही वो रुक जाता है और वैसे ही जियाओ पर वार कर देती है जो कि देखते हुए वो काफी साधारण होती है और अपने मन में कह रही होती है क्या मैं इसके खिलाफ जीत गई हूँ। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।